अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुजारी का पाप। धर्मापुरा गांव में भोला पंडित और अर्जुन पंडित नाम के पुजारी दो मंदिर चलाते थे। अर्जुन पंडित दिमाग से चालाक था। उसने अपने मंदिर की कुछ इस तरह पब्लिसिटी की कि पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी उसके मंदिर में आते, खूब चढ़ावा चढ़ाते। बदले में अर्जुन पंडित रोज दोपहर को भंडारा रखता। ये देखकर भोला पंडित का भी काफी मन होता था कि वो भी भंडारा खिलाए, पर उसके मंदिर में इतनी कमाई नहीं होती थी। वो भी भगवान को एक थाली भोग ही मुश्किल से दे पाता था। एक दिन अर्जुन पंडित का भंडारा खत्म होने के बाद एक साधु उनके यहाँ पहुँचता है। जय राम जी की पंडित जी, भंडारा यहीं होता है? हाँ, क्यों, कुछ दान करने आए हो? अब मैं भला निरंकारी क्या दान करूंगा, मैं तो रमता जोगी हूँ, भूख लगी थी, यहाँ भंडारा सुनकर पहुँच गए। ये भंडारा है, होटल नहीं, जो जब चाहे आकर बैठ जाए और खाना परोस दिया जाएगा। और फिर ये भंडारा संसारी भक्तों के लिए होता है, निरंकारी साधुओं के लिए नहीं। तुम गलत कह रहे हो बच्चा, भंडारा तो हर भक्त के लिए होता है, हर भूखों के लिए होता है। अगर भूखों को ऐन वक्त पर खाना ना मिले तो भंडारा किस काम का है? अरे यहाँ से जाओ बाबा, दिमाग मत फिराओ, ये भंडारा भूखों के लिए नहीं, भक्तों के लिए होता है, जाओ यहाँ से। नाराज मत हो बच्चा, बस बस एक थाली ही भोजन चाहिए, ए बच्चा बस एक थाली। अरे कहा ना यार, जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ भोला अपने छोटे से मंदिर में पूजा कर रहा है। स्वामी, भगवान को ये भोग लगा दीजिए। मंदिर में कोई है? पंडित, पुजारी, भक्त कोई है? ये कौन है कहिए बाबा? भूख लगी है बालिके, कुछ भोजन वगैरह? बाबा, भंडारा तो उस मंदिर में चलता है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। वहाँ गया था बालिके, डांट के सिवा कुछ नहीं मिला। डांट? अच्छा अच्छा, वो अर्जुन पंडित जी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। पंडित पुजारियों को गुस्सा होना शोभा नहीं देता बालक, और वो भंडारा किस काम का, जहाँ दिखावे का खाना परोसा जाता हो और भूखा भूखा ही रह जाए। आप भूखे नहीं रहेंगे बाबा, अभी अभी भगवान को भोग लगाया है, वो ले आता हूँ। क्या कह रहे हो स्वामी, वो तो भगवान का भोग है। तुम ही तो कहती थी ना, तुम्हारी भी इच्छा होती है तुम लोगों के लिए खाना बनाओ, भंडारा नहीं पर एक को तो हम खिला ही सकते हैं। ये लीजिए बाबा, इतना ही है, अगर आपका पेट भर जाए तो ग्रहण कर लीजिए। लाओ बालक लाओ। तुम्हारी भी इच्छा है ना कि तुम लोग भी अपने मंदिर में भंडारा चलाओ, ये लो तुम्हारी थाली, आज से इस थाली से भंडारा चलाना, इसमें से जो भी चाहो हाथ डालना और निकाल कर परोसते जाना, भंडारा में आए लोगों को कभी खाना कम नहीं पड़ेगा। चलता हूँ। पार्वती, तुमने सुना बाबा ने क्या कहा था? साधु खाना पाकर खुश हो जाते हैं तो जाते जाते ऐसा आशीर्वाद दे जाते हैं। वैसे मेरी बहुत इच्छा है आज गणेश जी को मोदक चढ़ाने की, कि इस थाली से मोदक निकालूं और गणेश जी को खिलाऊं। अरे इतने सारे मोदक, कहीं बाबा की बात सच तो नहीं? काश ऐसा हो, तो मेरी तो बहुत इच्छा थी, आज मैं हर भगवान को उनके पसंद का भोग लगाऊं, गणेश जी को मोदक और कृष्णा जी को मक्खन। अरे मक्खन की कटोरी, जय श्री कृष्णा, भोलेनाथ जी को भांग धतुर। अरे इसमें तो सचमुच भोजन निकल रहा है। मैंने कहा था ना, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए स्वामी,
कभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी, कल से हमारे मंदिर पर भी भंडारा होगा। आपको क्या चाहिए? पूरी? ये लो पूरी। आपको क्या चाहिए? खीर? ये लो खीर। आपको क्या चाहिए? दाल चावल? ये लीजिए दाल और ये चावल। निखट्टू, ये भोला जैसा कड़का पंडित इतना बड़ा भंडारा कैसे कर रहा है? लगता है किसी भोले भक्त की जिंदगी भर की कमाई साफ कर दी है। मुझे भी यही लगता है। खाने की वैरायटी तो देखो, हम पूरे साल में इतना नहीं बनाते जितना इसने एक दिन में बनाया है। एक दिन के लिए भंडारा हो तो कोई भी बना सकता है, रोज खिलाना पड़े ना तो मालूम पड़े। किंतु जब दूसरे दिन भी अर्जुन पंडित भोला को उतना ही बड़ा भंडारा करते देखता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। निखट्टू, ये तो आज ही नहीं, रोज इतना बड़ा भंडारा करने का ऐलान कर रहा है। हाँ, मैं भी वही सुनकर हैरान हूँ। आखिर कौन सा कुबेर का खजाना लग गया इस कड़के के हाथ? जरा पता करना तो, जो खजाना हमारे मंदिर में आना चाहिए था इसके पास कैसे चला गया? और रात को वे चुपचाप उन पर नजर रखते हैं, तो उन्हें थाली के बारे में पता चलता है। ओ, तो ये सब कमाल इस जादुई थाली का है। हाँ भैया, ये तो वाकई जादुई थाली है। जिस चीज का नाम लेकर हाथ डालो खाली थाली में से वही आइटम निकलता है। तभी तो मैं सोचूं भंडारा परोसने में अकेले भोला पंडित ही क्यों लगा है, क्योंकि वो इस थाली के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहता होगा। हाँ, पर हमें पता चल गया, इतने सालों से हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, शायद यह हमारे उसी काम का फल है कि इस जादुई थाली के बारे में पता चला। उसके सोते ही थाली मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये भी कोई बोलने की बात है भैया, रात को उनकी थाली उड़ेगी, सवेरे इनकी नींद उड़ेगी। और सचमुच सवेरे जब उनकी नींद खुलती है तब जादुई थाली गायब हो गई देख उनकी नींद उड़ जाती है। अरे, हमारी जादुई थाली कहाँ गई? तुमने तो कहीं नहीं रखी पार्वती। जी नहीं, रात को तो हम दोनों ने धो पोछ कर यही रखी थी। तो फिर कौन ले गया? ले निखट्टू, लोग आ गए, आज हम भी एक से एक आइटम खिलाते हैं अपने भंडारे में। ले परोस। बोलिए क्या दूं? सब्जी पूरी दाल राइस। ये लो सब्जी, ये पूरी, ये राइस, ये दाल, ये ये क्या कर रहे हो? सिर्फ नमक ही नमक भरे दे रहे हो पत्तल में। अरे ये कैसे, लगता है तुम पापी हो। इन्हें देता हूँ, आप लीजिए पूरी सब्जी दा। अरे क्या कर रहे हो भाई, आज भंडारे में क्या नमक ही खिलाना है? ऐसे कैसे? अर्जुन भैया, ये देखो क्या हो रहा है, थाली में से तो नमक ही नमक निकल रहा है। ऐसा कैसे? अर्जुन भाई, रसोई में मिर्च मसाला नमक सब खत्म है, तपेले चढ़ चुके हैं। आओ, इस थाली से जो चाहे निकलता है ना, मैं निकालता हूँ मसाला, मिर्च, नमक। अर्जुन भाई, सिर्फ नमक ही नहीं डालना है, आपने तो सारे तपेले में नमक ही नमक भर दिया है, अब ये कौन खाएगा इतना नमक वाला? निखट्टू, ये क्या हो रहा है, भोला भी तो ऐसा ही करता था, उसकी थाली से तो अलग अलग चीजें निकल रही थी। अर्जुन भाई, जाकर उनसे मिलो वरना ये हजारों आदमियों का खाना फेंकेंगे कहाँ। दुखी मत हो पार्वती, लगता है हमारी किस्मत में चार दिन ही भंडारा खिलाना लिखा था। माफ करना भोला भाई, ये लीजिए आपकी थाली। अरे ये आपके पास कैसे? मुझसे गलती हो गई भोला भाई, मैंने इसे चुरा लिया था, मेरे भंडारे के खाने को बचा लो, इस थाली से सिर्फ नमक ही नमक निकल रहा है, मेरे भंडारे का पूरा खाना खराब हो जाएगा। अपनी थाली पाकर भोला और पार्वती खुश हो जाते हैं। भोला उनके साथ उसकी रसोई में जाता है और थाली उनके रसोई में चढ़े बड़े बड़े तपेले देख ऊपर करता हुआ कहता है, ये गरम मसाला, ये मिर्च।
नमक? लो, अब आपका सारा खाना स्वादिष्ट हो गया। माफ करना भोला भाई, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। भोला भाई, आपकी थाली चुरा कर मैंने पाप किया था, नमक हरामी की थी, इसीलिए मेरे हाथ डालने पर नमक ही नमक निकल रहा था।